सभी लोग सुने होंगे, लेकिन उसका पूरा पार्ट नहीं सुने होंगे। उसका पहला पार्ट में क्या होता है कि कछुआ और खरगोश दोनों रेस लगाते हैं और खरगोश आगे जाके सो ही जाता है कि सोचता है कछुआ कितना दौड़ेगा, खरगोश सो जाता है और उसके बाद कछुआ धीरे धीरे चल करके रेस को जीत जाता है। ठीक है, तो इसमें इससे मतलब क्या सीख मिलती है कि हमें किसी कार्य को कंटिन्यूअसली करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर किसी भी विद्यार्थी के अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप विद्यार्थी नहीं है। अच्छा, उस कहानी का जो पार्ट टू है उसमें क्या हो जाता है कि चूंकि इस बार खरगोश काफ़ी मोटिवेटेड हो जाता है एक बार हारने के बाद, इस बार वो दौड़ लगाता है और नहीं रुकता, आखिरी में जाकर के रेस को जीत जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी गलती को दोहराना नहीं है, गलती को सीख करके उससे सुधार करके बल्कि आगे बढ़ना है। तीसरी बार क्या होता है, पार्ट थ्री में क्या होता है कि इस बार खरगोश कछुआ दोनों मोटिवेटेड हो गए होते हैं। खरगोश भी मोटिवेटेड होता है एक बार जीत करके, कछुआ भी एक बार जीत करके मोटिवेटेड हो जाता है। अब दोनों रेस लगाते हैं, बट इस बार कछुआ कहता है कि इस बार रास्ता बदल दिया जाता है। रास्ता बदल लेते हैं दोनों, इस बार रास्ते में बीच में नदी आ जाती है। अब जैसे पानी वाला भूमि आता है, कछुआ धीरे धीरे तैर करके निकल जाता है, खरगोश नहीं निकल पाता है, तो इस बार फिर कछुआ जीत जाता है। इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए। जैसी हमारी स्ट्रेंथ है वैसे हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी का पार्ट फोर जब आता है, इस बार क्या करते हैं, दोनों फिर से रेस लगाते हैं और कछुआ और खरगोश दोनों मिल करके ऐसा मतलब दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब तक समतल भूमि थी तब तक खरगोश कछुआ को अपने पीठ के ऊपर, और जब पानी आ जाता है तो कछुआ खरगोश को अपने पीठ के ऊपर लेकर दौड़ता है और दोनों इस बार साथ में रेस जीत जाते हैं। इस कहानी का सबसे अहम भाग है और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें ऐसे मित्र को बनाना चाहिए जहां हमारी वीकनेस हो वहां हमारे मित्र की स्ट्रेंथ हो। मतलब ऐसा मित्र बनाओ जहां आपकी वीकनेस हो वहां आपके मित्र की मजबूती हो। इससे आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपको समय समय पे हेल्प भी मिलती रहेगी।